कितना अच्छा दिख रहा है ये सब्जी की क्या बताऊं। मेरे को तो बनाते बनाते लालच आ रही है। मम्मी जी को बहुत पसंद है। मम्मी मैं बहुत जल्दी एक क्वेश्चन आंसर वीडियो लेके आने वाली हूँ। अगर आप मम्मी जी से मेरे लिए कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और मैं कुछ क्वेश्चन मम्मी जी से पूछूँ तो वो भी बताइएगा कि मैं इनको बहू के रूप में कैसी लगी या फिर ये मुझे सास के रूप में कैसी लगती हैं, तो वो सब हम लोग आपको क्वेश्चन के आंसर के थ्रू वीडियो बनाएंगे और आप तक पहुँचाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करना, ठीक है। हाँ ना मम्मी जी बताएंगी ना, आंसर देंगी। हाँ तो मम्मी जी भी आंसर देंगी और मैं भी आंसर दूंगी, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन जरूर करिएगा। वेलकम टू मिटीज फैमिली चैनल, और मैं हूँ नैन्सी और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। तो अभी मैं हूँ किचन में और आपके साथ शेयर करने वाली हूँ डिनर रूटीन। और जो मैं कल मैं आधा व्लॉग बनाई थी और उस व्लॉग को पूरा नहीं कर पाई क्योंकि कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो जो मैं आधा व्लॉग बनाई हूँ पहले आप उसको देख लीजिए, उसके बाद फिर जो हम डिनर रूटीन शेयर करने वाले हैं उसको दिखा दूँगी आपको, ठीक है। तो मम्मी जी कटहल की सब्ज़ी बनाने वाली, मैं बता दूँ क्या बनने वाला है। तो मम्मी जी कटहल की सब्ज़ी बनाएंगी, सूखी सब्ज़ी, तो बस वही बनेगा। तो सो प्लीज़ आप लोग पहले जो व्लॉग कल का है वो देख लीजिए, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है ना व्लॉग बनाने में, तो उसको मैं ऐसे डिलीट नहीं कर सकती उस क्लिप को। तो उस वाले व्लॉग में क्या है वो आप उसी व्लॉग में देखिएगा। ये जो पीछे देखिए, जो मेरा किचन है वो सज चुका है, तैयार हो गया है। अब व्लॉगिंग करने में और ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे किचन में। तो ये सब मेरे हस्बैंड जी ने किया है और कैसे किया है वो आप आगे देखिए। अगर आप कभी जो किचन है वो थोड़ा पुराना सा है, आपके सासू माँ के टाइम का है, तो अगर आप उसको न्यू करना चाहते हो तो कुछ इस तरह से कर लेना, शायद कुछ आपकी हेल्प हो जाए इस वीडियो को देखकर। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और आज का जो मेरा लुक है वो बहुत ज़्यादा ख़राब दिख रहा होगा क्योंकि तबीयत बहुत ख़राब है, थोड़ा फीवर भी है और सर भी बहुत दर्द हो रहा है। तो चलिए मैं हस्बैंड जी की हेल्प कर देती हूँ, आप लोग देखो। हम लोग अपने थोड़ा सा ना जो किचन है उसका मेकओवर करेंगे बिल्कुल सस्ते तरीके से, मात्र 50 रुपये में मेकओवर होने वाला है। और हस्बैंड जी देखे शुरू हो गए, उनके पास टाइम कम है और आज संडे है, ये पकड़ में आ गए हैं और आज मैं इनसे पूरा जो किचन है वो अपना मेकओवर करवा लूँगी। तो चलिए देख लेते हैं कि हम लोग कैसे अपना किचन तैयार किए हैं। डब्बे वब्बे रखती थी मैं, और वो डब्बे भी सब अलग अलग कलर के थे, मतलब अलग अलग टाइप के थे आकार के, तो मैंने सब हटवा दिए यहाँ से हस्बैंड जी से। और अब मैं यहाँ पे एक रैक लगवाऊँगी लकड़ी का, रखा हुआ है हमारे पास, वो अभी उसकी मरम्मत कर रहे हैं नीचे बैठ के हस्बैंड जी, तो वो यहाँ लग जाएगा और ये सब हट जाएगा। और यहाँ पर एक अच्छी हम लोग एक अच्छा सा वॉलपेपर खरीद के लाए, उसको यहाँ पर लगाएंगे। तो आप पूरे वीडियो के साथ बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। तो ये रैक है हम लोग के पास पहले से था, उसके ऊपर नीले कलर का टेप लगा के इसको थोड़ी सी लाइफ लाइन इसकी बढ़ा दी गई है। और ये हाथ में जो खोचा लग जाता है इसके जो पास होते हैं वो लग जाते हैं, जिस डब्बा निकाली रखी मैं जल्दी जल्दी में तो लग सकता है ना, इसलिए उसका टेप भी लग गया तो थोड़ा सा अच्छा हो गया और अच्छा दिखने भी लगा है। तो अभी इसको खिल्ली से ठोक ठोक कर हस्बैंड जी इसको ऊपर हैंग करेंगे, दीवार पर टांगेंगे। तो चलिए देख लेते हैं वो इसको कैसे कर। तो जहाँ पे हमारा गैस चूल्हा रखा हुआ था वहीं पे हस्बैंड जी खड़े हैं, गैस चूल्हा हटा दिया गया है वहाँ से। और उसके बाद जो वो लकड़ी का प्लाई का था ना रैक जैसा, उसको मैं नीचे पकड़ी हूँ सपोर्ट के लिए, और हस्बैंड जी ऊपर जो कील होती है लोहे की कील उसको ठोक रहे हैं सब तरफ से ताकि वो अच्छे से मजबूती आ जाए। तो वो देखिए रैक लगा हुआ है, हस्बैंड जी उस जगह पे खड़े हैं तो इसलिए ठीक से नहीं दिख रहा है, पर वो उसको मजबूत कर रहे हैं, कई कील उसमें वो ठोक रहे थे। क्योंकि क्या होता है कभी कभी हाथ का वजन भी पड़ता है डब्बा डुब्बी जब आप उतार रहे हो सामान के लिए। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर जो हम लोग की दीवार है बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो गई है, और जो छौंका वगैरह लगता है उसका दाग बन जाता है, छूटता भी नहीं है। तो उस पर मैंने पहले ब्राउन कलर का यहाँ पर डार्क कलर का पेंट करवाया था पर वो उससे भी दिख रहा था, तो इसलिए मैं ये वाली जो वॉलपेपर टाइप की प्लास्टिक की पन्नी थी, पॉलीथीन टाइप का था ये पतला सा मुलायम सा, इसको मैं लेकर आई हूँ। मात्र 50 रुपये मीटर मुझे ये मिल गया है लोकल मार्केट में, और इसका मैंने व्लॉग भी शूट किया था जब मैं गई थी इसको लेने, तो चौड़ाई में ये ठीक से नहीं आता और लंबाई में ये आ रहा था ठीक से, और हम लोग को ज़्यादा कुछ काटना नहीं पड़ा, नीचे से काटना पड़ा और चौड़ाई से काटते तो कैलेंडर के पास जा रहा था बिल्कुल। तो इसलिए हम लोग इस तरीके से इसको यहाँ पर नाप रहे हैं और उसके बाद इसको काट लेंगे। एवरीवन, मैं फिर से स्वागत कर रही हूँ, क्योंकि मैं जब कल हस्बैंड जी ये सब डेकोरेट कर रहे थे तो मैंने क्या किया था व्लॉग वहीं पे ख़त्म कर दिया था,
वो ये सब लगा दिए थे, ये वाली जो पन्नी है वॉलपेपर जैसी, इसको मैं 50 रुपए का लेके आई हूँ लोकल मार्केट से। मैंने अपने ब्लॉग में भी शेयर किया है इस चीज़ को। और यहाँ पे जो पहले से डब्बे रखने वाला रैक बना हुआ था वो मैंने हटवा दिया, अच्छा नहीं लगता था मुझे, और बड़ा रिस्क भी रहता था कि ऊपर से कुछ गिरे और नीचे मैं सब्जी बनाती रहूँ मेरे ऊपर गिर जाए तो क्या होगा, सोचिए। तो कल तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो मैंने ब्लॉग को फिर से अभी स्टार्ट किया है और अब मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। और मैंने जो रैक था डब्बे रखने वाला उसकी जगह मैं ये वाला रैक लगवा ली हूँ। ये पहले से घर में पड़ा हुआ था और किसी भी चीज़ के यूज़ नहीं आ रहा था तो मैंने इसी को लगवा ली। ये लकड़ी का है और इसको मैंने यहाँ पे सेट करवा दिया, इसी में मैं डब्बे रखूँगी। अब मेरे को ये मतलब ये टेंशन हो रही है कि इसमें डब्बे कैसे रखूँ, उसमें तो कैसे भी बड़े छोटे सारे डब्बे रख देती थी। अब इसमें एक एडजस्ट करने वाली प्रॉब्लम आ रही है कि इसमें छोटे छोटे डब्बे ही आएंगे, बड़े डब्बे आएंगे नहीं। तो जो हमारे मसाले वाले डब्बे हैं वो बड़े बड़े थे, तो मैंने क्या किया है मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, रुकिए दिखाती हूँ। तो मैंने ये, मम्मी जी इसमें लौंग इलायची रखती थी, तो मैंने क्या किया है इसी में देखो, इसी में ना राई जीरा मेथी सब रख दिए, ठीक है। हाँ, छुप क्यों जाते हो यार, तो ये छुप जाते हैं कैमरे को देख के, ठीक है ना। जब चौमिन चैलेंज करेंगे या मोमोज चैलेंज करेंगे तब इनको मैं इकट्ठा सामने कैमरे के बैठा लूँगी और इनसे बात भी करवाऊँगी। हाँ, तो आप लोग बताना चैलेंज करना है कि नहीं, ठीक है, और देखते फिर जीतता कौन है। हाँ, तो ये देखिए मैंने राई, जवाइन, अजवाइन, मेथी और जीरा सब कुछ इसी में रख दिया है। अच्छी जगह है, इसके अंदर चौड़ाई भी काफ़ी है, पर ये है कि अगर आपके पास ऐसे मल्टीपर्पज़ वाला बॉक्स है तो आप उसको आराम से खोलिए, आराम से बंद करिए, वरना क्या होगा ये सारे एक हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, तो बहुत बुरा हो जाएगा, आप ही का काम बढ़ेगा। तो ये देखिए इस तरह क्या होगा, चार चीज़ों की जगह एक चीज़ में आ गई। अब इसको मैं अच्छे से रख पाऊँगी। और जो इसका डब्बा था छोटा छोटा जीरे वाले जो डब्बे थे पहले से, तो उसमें मैं पीछे मिर्च थोड़ी सी रख लूँगी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। तो चारों चीज़ों को मैं छोटे डब्बों में पलट दूँगी और चाय पत्ती वगैरह भी मुझे डब्बे में रखना है। तो चलिए मैं फटाफट से सब काम कर लूँ। और मीठी आ गई है, और मीठी आ जाओ, कुछ बात करनी है आपको, मीठी बात करनी है, बात करनी है, आ जाओ जल्दी बात कर। कैंडी, मीठी के पास कैंडी है टेस्टी वाली। तो चलो सब लोग को हाय कर दो और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे वीडियो पे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ी हुई है इस टाइम पे क्योंकि इसको कैंडी मिली है, पापा जी इसके लेके आए हैं। तो चलिए जो जो काम है मैं फटाफट से कर लेती हूँ, ठीक है, जाना मत कहीं क्योंकि अभी मम्मी जी बनाएंगी कटहल की सब्जी। तो मैं सोच रही हूँ कि उसको इसी में सेट कर देती हूँ इसी वाले ब्लॉग में। तो चलिए देखते हैं मम्मी जी सब्जी कैसे बनाती हैं। वैसे मम्मी जी कटहल को उबाल के रख ली हैं, तुर्की मैं दिखा देती हूँ, ऊपर बहुत ज़्यादा सब कुछ सामान फैला हुआ है। तो ये देखिए कटहल को मम्मी जी उबाल के रख ली हैं और काफ़ी बड़े बड़े टुकड़े इन्होंने किए हैं मम्मी जी ने, और इसको मम्मी जी सूखा बनाएंगी मसालेदार। तो इसकी रेसिपी देखे बिना मत जाइएगा। और अभी मैं चलिए पहले सेटिंग कर दूँ, यहाँ से सब कुछ हटा दूँ, देखिए कितना फैला हुआ है। तो यहाँ से मैं सब कुछ हटा देती हूँ, उसके बाद इसकी रेसिपी देखी जाएगी और आप जाइएगा नहीं अधूरा ब्लॉग देख के। तो जो सामान रोज जरूरत की चीज़ें थी, जैसे चाय पत्ती हो गई, चीनी हो गई और भी बहुत सारे सामान, तो मैं थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में इन्हीं रैक में रख दूंगी डब्बों में करके। और जो ज़्यादा बच रहा है उसको मैं अलग, एक मैंने ड्रम रखा है उसमें ग्रॉसरी का सारा सामान रख देती हूँ जो एक्स्ट्रा होता है, हमेशा ऐसे ही करती हूँ। और इस टाइम पे छोटे छोटे डब्बे हैं तो अब मैं ज्यादा सामान उसी ड्रम में रखूंगी। तो देखिए मैंने सारे डब्बे फटाफट से भर के सेट कर दिए हैं क्योंकि वो काट रही थी, एक भी सही का नहीं बचा है ना इसका पूरा। तो ये ऐसे है, गवार पल्ली और करास अलग अलग थी, तो ये गवार पल्ली है, इसको मम्मी ज़्यादा तोड़ दी हैं, बीच से तोड़ दी, इसका रेसा वैसा सब निकाल दिए, नहीं तो ये ऐसा दिखता है कुछ। और इसकी सब्जी कल सुबह बनेगी, तो कल वाले ब्लॉग में आपको ये फरास की सब्जी, सॉरी गवार पल्ली की सब्जी देखने को मिलेगी। और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ और आपको ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपी देखने को मिलेगी मेरे ब्लॉग में। और चलिए फिर अपना किचन का जो काम है वो फटाफट से कर लिया जाए। चाय पत्ती हो गया, चाय का सामान, और इसके ऊपर यहाँ हल्दी, पिसी मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और कुछ डब्बे वाले एवरेस्ट वाले मसाले मैं यहाँ रख दी हूँ। और यहीं पे मैंने हींग भी रख दिया है और एक चम्मच भी रख दिया है इसी से नाक पे डालने के लिए। और ये जो तड़का लगाने वाला है उसके लिए भी मैं यहाँ पे एक चम्मच रख दी हूँ। और ऊपर तेल और नमक का डब्बा है, और मैं बहुत जल्दी डब्बे चेंज कर दूंगी, अच्छा सा डब्बा लूंगी सेट का सारा। अभी जिस दिन भी मार्केट जाऊँ उस दिन काम जरूर करूंगी। और अब चलिए सफाई कर देते हैं,
और फिर मम्मी जी बनाएंगी यहाँ पे कटहल की सब्जी। पिसा हुआ भुना हुआ दोनों चीज है ना, भुना भी है ना। तो मसाला मम्मी जी पहले से पीस के रखी थी, मतलब जो सब्जी बनी थी सुबह टाइम तो उसमें भी मसाले की सब्जी बनी थी, तो उसी मसाले को मम्मी जी भून के फ्रिज में रख दी थी। तो बस अभी थोड़ा सा तेल डाल के उसको गर्म करेंगे और उसी में कटहल को डालेंगे जो उबला हुआ है। तो चलिए मैं आपको पास से दिखा देती हूँ और उसमें क्या क्या पड़ा है मैं वो भी बता देती हूँ, ठीक है। मसाले में क्या क्या पीसी है बता दीजिए। मसाले में मिर्ची, धनिया, लहसुन, अदरक, गरम मसाला, प्याज सब मिला के पीस के और बघार दिए। बघार के भूंज के निकाल लिए हैं। निकालने के बाद अब सब्जी बनाने जा रहे हैं। तो कटहल उबला हुआ भी है, ये देखिए बड़े बड़े पीस की हैं मम्मी जी। और सूखा आप भी बना के ट्राई करिएगा, सूखी सब्जी बहुत अच्छी बनती है। कटहल को पहले फ्राई कर लिया जाएगा, फ्राई करके निकाल के उसके बाद मसाले में भूंज के डालना पड़ेगा, सूखा बना लीजिएगा। अच्छा फ्राई करेंगे क्या पहले? हम सोचे ऐसे ही डालेंगे, हमें पता ही नहीं था। तो चलिए देख लेते मम्मी जी कैसे बना रही हैं। कटहल को थोड़ा सा गोल्डन होने तक भूंज लेना है, कुछ इस तरह से जैसे मम्मी जी अभी भूंज रही हैं, और हाई फ्लेम पे 2-3 मिनट के लिए बस ऐसे हल्का। तो देखिए इसको मम्मी जी ने फ्राई कर लिया है। फ्राई करने से क्या होता है मम्मी जी, थोड़ा सा टेस्ट बदल जाता है ना। फ्राई करने से थोड़ा टेस्ट अच्छा हो जाता है, कड़ापन आ जाता है, कड़ापन आ जाता है और फिर अच्छा भी लगता है। तो अब इसी कढ़ाई में मम्मी जी डाल रही हैं तेल, फिर से तेल। तेल तो इसमें था ना, मसाले भी डाल, गरम कर रही हैं मसाले को जो कि फ्रिज में रखा हुआ था। इसलिए जीरा डाल दो थोड़ा। तो इसमें मम्मी जी थोड़ा सा जीरा डाल रही हैं, तेल अभी गरम नहीं ना ठीक से, थोड़ा सा जीरा क्रैक्ड हो जाए तो फिर। डाला इससे क्या होगा, थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा और मसाला थोड़ा सा कम है ना, तो टमाटर का पेस्ट जो है वो बैलेंस कर लेगा पूरी सब्जी को। तो इतनी थिक ग्रेवी तैयार हो गई है और इसका कलर कितना अच्छा दिख रहा है, टमाटर से टेस्ट भी बढ़ जाएगा और एकदम थिक वाली ग्रेवी भी बन जाएगी और बहुत टेस्टी भी लगेगा। तो देखिए अभी इसको थोड़ा सा भून देना है, टमाटर डालने के बाद थोड़ा सा भूनना है, 2-3 मिनट है ना मम्मी जी, 2-3 मिनट, 2-3 मिनट भूनना है इसको। उसके बाद इसमें कटहल डाल देना है। और नमक कब डालेंगी? ऊपर है तेल के पास, डब्बे सारे चेंज हो गए हैं तो मम्मी जी को थोड़ा सा ढूंढना पड़ रहा है नमक कहाँ है, सामान कहाँ कहाँ हो गया है। मम्मी जी का किचन मैंने चेंज कर दिया है पूरी तरह से, तो अभी कुछ दिन हम लोगों को आदत नहीं रह जाएगी, कुछ दिन बाद से आदत पड़ जाएगी हम लोग की। तो ये देखिए मम्मी जी ने इसमें नमक डाल दिया, और मम्मी जी ना हमेशा से हाथ से ही सब कुछ क्वांटिटी समझ पाती हैं हर चीज़ की, तो वो हाथ से ही ज़्यादा मतलब कम वो रहती हैं, कॉन्फिडेंस रहता है उनको कि हाँ ये चीज़ कितना पड़ेगा, ये चीज़ कितना पड़ेगा। तो उन्होंने नमक यहाँ पे डाल दिया है स्वाद। तो इसमें मम्मी जी ने कटहल को डाल दिया है और अच्छे से पूरे मसाले के साथ कटहल को मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए कटहल को अच्छे से मम्मी जी मिक्स कर रही हैं, अच्छी दिख रही है मम्मी जी सब्ज़ी। धनिया काटें? तो ठीक है मैं धनिया काट ले रही हूँ, और जब तक मम्मी जी इसको अच्छे से मिक्स कर ले रही हैं। और ये बिल्कुल ऐसी सूखी सूखी सब्जी रहेगी, आप रोटी के साथ खाओ बहुत टेस्टी लगेगी, और सूखी भी खाओ बहुत टेस्टी लगेगी, बिना रोटी के, बिना रोटी के भी खा सकते हैं। हाँ वो ऐसे भी बहुत अच्छी लगने वाली है, मटन चिकन फेल हो जाएगा इसके आगे जो लोग खाते होंगे। तो अब मैं धनिया काट लूँ फिर मिलती हूँ आप लोग से। कितनी देर तक ये चढ़ी रहेगी मम्मी जी? उबला हुआ कटहल है तो ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, मसाला भी भूज गया है, टमाटर भी भूज गया है, तो बस 2-3 मिनट ताकि जो मसाले वो अंदर तक एब्जॉर्ब कर ले, हाँ सीज ले। और धनिया की पत्ती मैंने काट दी है, धुल के काटे। तो मम्मी जी डालते जा रही है धनिया की पत्ती। कितना अच्छा दिख रहा है ये सब्जी की क्या बताऊं, मेरे को तो बनाते बनाते लालच आ रही है। मम्मी जी को बहुत पसंद है, मम्मी जी रसे वाली सब्जी से ज़्यादा कटहल की सूखी सब्जी पसंद करती हैं, खाना कोफ्ते से भी ज़्यादा पसंद है ना ये वाली सब्जी आपको। और सही बात है, ऐसी सूखी सब्जी खिला भी जाती है।
और मम्मी जी को कटहल के कोफ्ते से ज़्यादा ये वाली पसंद है। और मम्मी जी कटहल का कोफ्ता बनाई थी, तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं वाले ब्लॉग को तो उसको भी देख लीजिएगा। बहुत टेस्टी कटहल का कोफ्ता बना था उस दिन। तो बस इसको अच्छे से मिला लेंगी और पक गई हमारी सब्जी। तो सब्जी जो है वो पक चुकी है और मम्मी जी बुआ जी आई हैं, जो अपनी नंद को टेस्ट कराने लेके गई हैं। वो टीवी देख रही हैं कमरे में। और अब मैं जा रही हूँ चावल और रोटी बनाने। तो रोटी बनाना सबको आता है, चावल भी बनाना सबको आता है, तो वो कुछ खास नहीं है दिखाने वाली चीज़ें। तो मैं रोटी बना ले रही हूँ, चावल बना ले रही हूँ, यही है मेरा डिनर रूटीन आज का। और रसे वाली सब्जी सुबह बनी थी, तो वो रसे वाली सब्जी से हम लोग चावल खा लेंगे और इस वाली सब्जी से रोटी खा लेंगे, तो टेस्ट भी बदल जाएगा और दोनों सब्जी ख़त्म भी हो जाएगी, वरना वो सब्जी बची रहती, अगर अभी रसे वाली बनती तो वो बच जाती। इसलिए उसको भी खा लेंगे, इसको भी खा लेंगे, दोनों ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए मैं रोटी बना लेती हूँ फटाफट।